तो भाई स्टार्टिंग हो गई है अपनी ट्रैक की। भाई लगभग 200-300 मीटर हमने कवर कर लिया भैया, थोड़ा सा बचा बस 1 किलोमीटर तो भाई लौटने का पड़े भी आ गए अपने जाते रहोगे सबके। तो भाई राम राम पहला तो सबने, और कैसे हैं आप लोग, ऊपर तुम सब लोग ठीक होंगे। पिछला व्लॉग देखा होगा, कैसा लगा बताना। सारे भाई तैयार हो गए अपना, रेडी होके बैठे हैं, बढ़िया रेडी होके बैठे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। गाली पाली चलती रहती, देखो गाली जरूरी है दोस्त यारी में। तो अब तुंगनाथ की करेंगे हम ट्रैकिंग, और 3.5 या 4 किलोमीटर की है, देखते हैं ट्रैकिंग कैसी आपको दिखाएंगे। और लगे हम ये रख के जा रहे हैं, एक छोटा सा बैग लेके जा रहे हैं, उसमें अपनी पॉलिथीन जो हमें 5 रुपये में कल मिल गई थी, 3 जनों के लिए मिली थी बस। और कल वाला ब्लॉग बता था कैसे लगा, और यहाँ से निकलेंगे शाम को 4 बजे उतर के, कुछ खाते हैं पहले नीचे जाके, फिर ट्रैकिंग पे चलते हैं। तो भाई स्टार्टिंग हो गई है अपनी ट्रैक की। भाई जय भोलेनाथ, तो ये दिखाएंगे पूरा कैसे ट्रैक पड़ता है और कितने टाइम में हो जाता है। तो भाई टाइम दिखा दे रहा हूँ मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको, 8:40 हो रहे हैं, 8:46 ट्रैक स्टार्ट कर दिया, और 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक है, देखते हैं कितनी देर में कम्प्लीट होता है। भैया कुछ ऐसे ट्रैक है, और नीचे खच्चर भी चलते हैं जैसे केदारनाथ में चलते हैं भाई, देखो चल ले खच्चर। और ऐसा भी कहते हैं कभी केदारनाथ से ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कम है, चेक करते हैं, वो तो चलते जाते हैं। पर 3 किलोमीटर की पर खड़ी है ऐसा कहते हैं। तो पीछे तो भाई गाने चल गए, कॉपीराइट आ जाएगा तो ज्यादा दिखाएंगे नहीं। लगभग 200-300 मीटर हमने कवर कर लिया, नजारा देखो 400 होगा तो भाई मैं स्वयं भैया अंश तीनों कह लें, वो पीछे रह गए। अरे भैया जैकेट जा रही है, माननी पड़ेगी दिखा है। तो भाई क्राउड भी सही है, थका रहा क्राउड भाई, देखो भाई उगा रहा। तो भाई 1 किलोमीटर करीब आ चुके हैं, 1.5, 2.5 या 3 के करीब शायद ज़्यादा बचा है, 4 किलोमीटर का ट्रैक है, और देखते कितने किलोमीटर बैठता है। हालत है भाई, हालत है स्वैग भाई। सिम भैया केदार हाँ चलो 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 भाई चलो, पानी बोतल ले रहे हैं, 1.5-2 घंटे में कर देंगे। टाइम दिखाइयो, तो निकाल ले जैकेट खोल ले। भैया थोड़ा सा बचा बस 1 किलोमीटर ले भैया, फोटोग्राफी चल रही है, नीचे अंकल जी उतर गए, डर ही नहीं है कोई फूल उनके मारे। तो भाई 1.5-2 किलोमीटर करीब बच रहा होगा, यही है भाई मंदिर हो गया, देखो डीले तो बहुत नीचे हैं। हम तीन ही था भाई, अक्षय भाई हमारे आ गए। तो भाई देखो हार्ड तो है केदारनाथ से भी, क्योंकि खड़ी है, वहाँ उतरन भी है, चढ़ाई भी है, थोड़ी देर की टूटन है, पर यह है कि रुकोगे बैठोगे तो नाश हो जाएगा, खड़े होकर रेस्ट कर लो तो अंदर जाएगा। सिस्टम है भाई, बोले जी से मिलना तो गुस्सा करना पड़ेगा। तो भाई 10:40 हो चुके हैं, और 9:40 में शुरू करा था हमें ट्रैक, खांसी जुकाम जा ही नहीं रहा जब से आए हैं। तो भाई ठंड तो है यहाँ पर, चाय वाय पीते हैं फिर ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, 100 मीटर 150 मीटर बच रहा है बस, देख सकते हो मार्केट, ये कच्चर यहाँ पे एंड हो जाते हैं, इसको ऊपर नहीं जाते। तो 9:40 1 घंटे में कर दी। तो भाई 3 घंटे की बताते लोग, 1 घंटे में कर दिया हमें, 3-3.5 किलोमीटर की होगी। पर देखो केदारनाथ की बहुत डिफरेंट है, यहाँ की बहुत डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाली चढ़ाई है, वहाँ पे स्लोप भी है, चढ़ना का भी है। तो भाई फ़र्क है, केदारनाथ की 21 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर बताते हैं, हम कर चुके हैं, व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। चाय बनवाइए अभी तो, मैगी बनवाइए, फिर कुल्ला वुल्ला करके दर्शन करेंगे,
क्योंकि भूखे चले थे, आते ऐसे हो गई सुकड़ गए। कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो ये शास्त्रों में भी लिखा है। तो फिर दर्शन करेंगे, फिर उतरेंगे, एक डेढ़ घंटे रेस्ट करके। उतरने में तो आसानी आसानी है, ट्रैक आपने देखा कैसा मौसम देख सकते हो। बढ़िया मौसम हो रहा एकदम, बस हमारा शरीर का मौसम खराब है, देख सकते हो चिड़ एकदम। तो भाई ये क्या मंदिर अपना तुंगनाथ जी, और ये लग रही लाइन भाई, देखते हैं कितने टाइम तक की लाइन है। आधे लोग पीछे रह गए हमारे, अक्षय भाई आ गए हैं, देखते हैं अगर आगे जुगाड़ हो जाता तो उनसे देखने आया। तो भाई दो घंटे लगे हैं मैक्स, हम 8:40 नहीं 9:40 पे चले थे। तो भाई लोने लपाड़े भी आ गए हैं अपने, दर्शन हो गए सबके, अब निकलेंगे काम छोटी पर चंद्रकला की तरफ भाई। तो दो ढाई घंटे का ट्रैक है और जान टूटेगी भाई, शरीर टूटेगा भाई। कितने घंटे का है? डेढ़ घंटे का ट्रैक है इनके लिए, थोड़ा ही है ना, एक घंटा एक्स्ट्रा मानो। अरे मोटिवेशन। तो भाई चंद्रशिला की चढ़ाई कर दी हमने, 1 किलोमीटर की है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, या तो आधा घंटे या एक घंटा। तो ऐसी चढ़ाई है, कुछ पत्थर पत्थर रखी है भाई, हाइट पे ही है कुछ, हम ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पे, देख सकते हो भाई बादलों के ऊपर। तो भाई इन्हें हम ले तो आईडी लोगो, आईडी ले अभी भी देखो कहाँ है, ये कहाँ रहे हैं। ले भैया ट्रैकिंग खत्म, ले भैया ले। मूड ले वे मेरा सपोर्टर पोर्टर नहीं आ रहा भैया। तो भाई वहां जाना देखो, वहां पहाड़ी छोटी बहु भाई कहाँ आ गए हम भाई, ले भैया एंड। तो भाई हम 4 जन आ चुके हैं चंद्रशिला भाई, थोड़ा सा रह गया देखो, मुश्किल से आधा किलोमीटर। वो नीचे बैच जो हमारा रह गया है। तो भाई हाइट देखो कहाँ पे है, पीक पे एकदम हम। आये आये भाई, आये आये चीज है भाई। तो भाई फाइनली टॉप पीक, हरे 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 महादेव, ये तो ऊपर गाय का। तो भाई ऐसे नंदी जी मंदिर, और देखो उधर गाय का कर रही थी ऊंचाई पे भाई, नंदी महाराज ये नंदी महाराज है, देखो भाई कितनी ऊंचाई पे है ये, तो पीक पे पता नहीं कैसे आई है और क्यों आए हैं। तो भाई जादू बने फिर रहे हैं क्योंकि बारिश आ गई थी यहाँ पर, और बहुत ही तगड़ा भाई मैं कह रहा हूँ, कुछ व्यू सारा व्यू खत्म हो गया सारा, मुझे तो बर्फ़ के ओले पड़ रहे हैं। चलते हैं जैसे मौसम खराब ना हो, फोटो वगैरह तो खींच नहीं सकती भाई यार। तो भाई ऊपर आने का सीन थोड़ा रहा नहीं, बिना व्यू दिखा, पर दर्शन हो गए कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करने आए थे हम, भगवान जी चाहते नहीं थे। देखो कैसा फॉक्स हो गया एकदम, बादल ही बादल आ गए, नीचे की तरफ उतर रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है, मतलब स्नो फॉल तो नहीं कहेंगे, ओले पड़ रहे हैं, नीचे उतरते हैं आपको दिखाएंगे। फिर पहले तो हाथ सुन्न हो गए, देख सकते हो लाल पड़ गए एकदम, बहुत ठंडक ऐसा लगा होगा 5-7 डिग्री टेम्परेचर। तो भाई उतरने में तो देखो आसानी होती है, पर तब भी जब हल्की हल्की बारिश पड़ जाती है तो पैर संभाल के रखो, दबा दबा के छोटे छोटे पत्थर खिसक जाते हैं। पहुँचने वाले हम वापस तुंगनाथ, तुंगनाथ से फिर 1 घंटे का ट्रैक हो रहा है उतरने का, और देखते हैं कितनी जल्दी कवर कर लेंगे। पहले तो यहाँ से उतरते हैं, फिर ऊपर वालों को वेट करेंगे। तो भैया खुले ही हैं, सही बहुत बुरा सीन हो गया, देखो कुछ हो सी नहीं है, क्या पैर गोबर केदारनाथ वाला सीन है बस, हमें केदारनाथ में बारिश नहीं मिली थी, यहाँ जब से उतरना चालू करा है ऊपर से, और भाई अब तक बर्फ
बारिश तूफान। और भाई देख कैसे घूम रहे हम भैया, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। बारिश वगैरह ज़्यादा है, क्राउड तो बिल्कुल नहीं है। बाइक की सफाई हो गई है, हालत देखो कैसी होगी भाई। पन्नी में तो लोग सब भीग गए। कहाँ जा रहे हो? हैं नीचे यार, पूरी तो कर ले। अच्छा पूरी, चलो चलो। तो भाई देखो क्या हाल हो चुका सबका ही। बारिश बहुत गंदी हो रही है भाई, क्राउड तो ऐसा नहीं है जैसा वीडियो में दिखाया था। बोल शंकर भगवान की जय। तो भैया रूम में जाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, जूते वूते सब गीले हो गए। बाइक वाइक खड़ी, चाबी भैया भैया चलो। अरे चलो यार, बारिश में तो हटाओ कम से कम। भाई नीचे उतरने का धन्यवाद। पराठे और चाय चल रही है, ठंड हो रही है बाहर बहुत तकड़ी, बारिश में नहीं हो रही। फिर देखते हैं क्या विचार है, रूम में रुकना है आज या कल निकलना है। दही पे टूट पड़े भूखे इंसान। तो भाई अपने रूम में आ चुके थे हम अगेन, और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो हमारा टूनाथ का ट्रैक बहुत अच्छा रहा, बस आते में दही हुआ। गलीज पर चल रहा है आकाश भाई का, थोड़ा सा परेशान है बेचारे।